मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। बेगुनाह गुरप्रीत सिंह को करे जेल से बाहर। फर्जी मुकदमे में फंसे गुरप्रीत सिंह को जेल से रिहा कराने की मांग की। राजीव रंजन शुक्ला ने मेरे बेटे को फर्जी मुकदमे में जेल पहुंचाया। हरचरण सिंह। हरचरण सिंह सरना, उम्र 69 साल से, का कहना है कि पुलिस के हाथों बहुत अन्याय हुआ है, जिसके कारण उनके बेटे गुरप्रीत सिंह सरना को अवैध रूप से उठाया गया था और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे जेल में बंद कर दिया गया है। जेल। केस नम 308/2020, थाना लालगंज, जिला रायबरेली में धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 506, 120 BIPC के तहत उनके दोनों बेटों और मैं सहित दर्ज किया गया। उनके बेटे गुरप्रीत सिंह सरना पर दबाव बनाने के लिए झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है, ताकि वह मेसर्स बालाजी डेवलपर्स के मालिक राजीव रंजन शुक्ला से अपने वित्तीय बकाया को छोड़ दे। वर्ष 2015-2016 में राजीव रंजन शुक्ला गुरप्रीत सिंह सरना के संपर्क में आए और उनका विश्वास हासिल करने के बाद उन्हें अपने साथ निर्माण क्षेत्र में काम करने का सुझाव दिया और राजी किया। उनके समझाने पर उनके बेटा गुरप्रीत उनके साथ काम करने लगा। उन्होंने दिल्ली में अपनी विभिन्न परियोजनाओं और साइटों पर काम किया। समय बीतने के साथ गुरप्रीत सिंह सरना और राजीव रंजन शुक्ला पारिवारिक मित्र बन गए। राजीव रंजन शुक्ला ने उनके बेटे गुरप्रीत को व्यापार में आसानी के लिए अपनी खुद की फर्म खोलने के लिए राजी किया और इसलिए उनके बेटे ने मेसर्स सरना एसोसिएट्स के नाम से एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म खोली, जिसका कार्यालय दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी है। पता यूपी। राजीव शुक्ला के अनुरोध पर मेसर्स सरना के सहयोगी मेसर्स बालाजी डेवलपर्स के समान है। जुलाई 2017 में बालाजी डेवलपर्स को आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में निर्माण कार्य सौंपा गया था। उन्होंने उनके बेटे गुरप्रीत से अनुरोध किया कि वह अपनी ओर से काम को अंजाम दे और उसे बालाजी डेवलपर्स का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बना दिया। 2017 से मार्च 2020 तक उनके बेटे ने काम करवाया और लगभग पूरा कर लिया। इस कोर्स के दौरान बहुत सारे व्यापारिक लेन देन हुए, लेकिन साइट पर बहुत सारे गैर भुगतान और खर्चों का कम भुगतान हुआ। इन सभी भुगतानों के कारण उनके बेटे और सरना के सहयोगियों को बहुत सारे मामलों का सामना करना पड़ा और बालाजी डेवलपर्स और राजीव रंजन शुक्ला के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 6 मार्च 2020 को उनके बेटे गुरप्रीत ने राजीव शुक्ला के साथ अपना विरोध व्यक्त किया और उसे बताया कि पिछले 3 वर्षों से उसे उसका बकाया भुगतान नहीं किया गया है। वह अब बालाजी डेवलपर्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। 6 मार्च 2020 और 8 मार्च 2020 को राजीव रंजन शुक्ला ने व्हाट्सएप पर स्वीकार किया है कि वे साइट और सरना के सहयोगियों की देनदारियों से अवगत हैं और आश्वासन दिया है कि वे इसे सुलझा लेंगे। 6 मार्च 2020 को वह और उनका बेटा रायबरेली के साइट से अपने स्थानों पर वापस आ गए। 9 मार्च 2020 को हरचरण सिंह और उनका बेटा गुरप्रीत राजीव शुक्ला से D-121 रामप्रस्थ कॉलोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश स्थित उनके कार्यालय में मिले और पता चला कि उनका इरादा पैसे और मुनाफे को वापस करना नहीं है। 11 मार्च 2020 को राजीव शुक्ला ने इरकॉन इंटरनेशनल को एक पत्र दिया जिसमें कहा गया कि गुरप्रीत सिंह सरना ने मेसर्स बालाजी डेवलपर्स की जिम्मेदारियों से खुद को अलग करने की इच्छा व्यक्त की थी और इस तरह वह उस संबंध में दिए गए प्राधिकरण को वापस ले रहे हैं। यहाँ उन्होंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया उनके बेटे गुरप्रीत द्वारा की गई धोखाधड़ी या धोखाधड़ी। 12 मार्च 2020 और 16 मार्च 2020 को उन्होंने इरकॉन इंटरनेशनल को बालाजी के साथ उनके बकाया के बारे में सूचित किया। डेवलपर्स और सरना सहयोगियों से संबंधित दस्तावेजों की चोरी और अनधिकृत निष्कासन एक दृष्टि से उन्हें नष्ट करने के लिए। वही पुलिस अधीक्षक रायबरेली को दिनांक 28 मार्च 2020 को सूचित किया गया, जो कि था राजीव शुक्ला द्वारा दर्ज प्राथमिकी से बहुत पहले। उसके बाद उन्होंने नियमित अंतराल पर इरकॉन अंतर्राष्ट्रीय और पुलिस अधिकारियों को लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शुरू से ही राजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों पर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल एफआईआर नम 308/2020 बैकडेट में दर्ज किया गया है
तभी राजीव शुक्ला को यकीन हो गया कि वो 24 अप्रैल 2020 के पत्र के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल में उनके भुगतान अटक जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। इस दौरान उन्हें अपना एफआईआर नंबर 434/2020 पीएस के साथ पंजीकृत लालगंज आईपीसी की धारा 406, 380 और 120 बी के तहत, जिसे बाद में राजीव शुक्ला के खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद एफआर मिल गई और बंद हो गई। उनके प्रभाव में आकर पुलिस ने उन्हें प्राथमिकी बंद करने की सूचना तक देने की जहमत नहीं उठाई। यह पुलिस और राजीव शुक्ला की मिलीभगत को दर्शाता है। एफआईआर नंबर 308/2020 उन्हें 3 दिसंबर 2020 को धारा 41 एसीआरपीसी के तहत दिनांक 14 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 को दो नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें सूचित किया गया कि हमें क्रमशः 17 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 को संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इन नोटिसों को उनके प्रारंभ के स्रोत से दिनांक 25 नवंबर 2020 को भेजा गया था, जो कि उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि के बाद है, और वही शब्द 3 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुआ है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि राजीव शुक्ला के प्रभाव में पुलिस ने कैसे किया था ये बताने के लिए झूठा सबूत बना रहे हैं कि हम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को नियमित अंतराल पर लिखे जाने के बावजूद राजीव शुक्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयानों और 1.0 मामले में माननीय न्यायालयों को प्रस्तुत केस डायरी में इनमें से कोई भी बयान नहीं दिखाया गया था। इतना ही नहीं, राजीव शुक्ला की ओर से जांच अधिकारी ने गवाहों के इस बयान को दर्ज किया है, उनके नाम और पते को छोड़कर शब्दशः एक ही शब्द हैं, क्योंकि सभी गवाहों को निर्धारित किया गया था कि उन्हें क्या लिखना है और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। दिनांक 25 मई 2022 को उनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 7080555530 से कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपना परिचय लालगंज रायबरेली थाने के सब इंस्पेक्टर पंकज त्यागी के रूप में दिया। वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द संबंधित थाने आए और राजीव शुक्ला के साथ अपने विवाद को सुलझाएं। उसके बाद कई फोन आए, लेकिन जब नोटिस भेजने या लिखित में देने का अनुरोध किया तो वे नहीं माने। इससे उन्हें पुलिस की चाल समझ में आई, जो राजीव शुक्ला के इशारे पर काम कर रही थी। उन्होंने और उनके बेटे गुरप्रीत ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया, माननीय उच्च न्यायालय, और 3 जून 2022 को लखनऊ की यात्रा की। जबकि प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना के साथ रिट याचिका का मसौदा तैयार किया जा रहा था और उनको कमरा नम होटल हाइफा कॉन्टिनेंटल के 102 सीपी 168 विराजखंड 4 सिंगापुर मॉल के पीछे गोमती नगर लखनऊ में स्थित 4/5 जून 2022 की रात को पुलिस अधिकारियों ने इसे होटल परिसर में लगभग 3:50 बजे पड़ा सुबह और अवैध रूप से उनके बेटे गुरप्रीत को उठाया और वह उस समय सो रहा थे, और बाद में गिरफ्तारी को सुबह 7:45 रायबरेली के लालगंज के किसी साई ढाबे के पास दिखाया गया, जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि पुलिस किस तरह बिना किसी डर के कानून और न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और यूपी के मुख्यमंत्री को मेल भेजा गया, जिसमें उनके बेटे के अपहरण के बारे में 5:11 जोड़ा गया, जो कि रिपोर्ट में दिखाई गई पुलिस गिरफ्तारी से पहले और वास्तविक गिरफ्तारी के बाद था। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी की ओर से गंभीर चूकों, अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए और उनके बेटे की गिरफ्तारी के तरीके के संबंध में इन पुलिस अधीक्षक रायबरेली से एक विशिष्ट पैरावार जवाब मांगा है, विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज की सामग्री के बारे में वहां उल्लेख। इस जांच के दौरान ये भी सामने आया कि पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी है, और एफएसएल से भी यही रिपोर्ट आई है कि राजीव रंजन शुक्ला का हस्ताक्षर वास्तव में पीओए पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। यहाँ वह एक मुद्दा उठाना चाहता है कि ठेकेदार द्वारा मुख्तारनामा प्रस्तुत किया जाना है, जिसे इरकॉन द्वारा किसी अन्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के अलावा, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र निष्पादित करने के लिए पीओए इरकॉन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जांच अधिकारी ने कभी इरकॉन से इसकी पुष्टि नहीं की कि किसे फायदा होगा और इरकॉन ने पूछा है या नहीं।
जांच अधिकारी ने भी कभी नोटराइजिंग अथॉरिटी से यह जानने की कोशिश नहीं की कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसने बनवाई है। उनका बेटा गुरप्रीत सिंह सरना 5 जून 2022 को गिरफ्तार हो गया और 6 महीने से अधिक समय हो गया है। उनका परिवार उसे बेलआउट दिलाने के लिए तड़प रहा है। उनका कहना है कि वह खुद एक वरिष्ठ नागरिक इस झूठे और तुच्छ मामले के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। किस तरीके का जो है बैठक में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो आदित्यनाथ योगी जी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुहार लगवा रहा हूँ कि मेरे पे थोड़ा केस पे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और मेरे बच्चे को बेगुनाह को रिहा किया जाए। किस तरीके का मामला था ये? हमारे लेन देन का मामला था जी, ये बेगुनाह केस है। कभी भी सिविल केस को क्रिमिनल में बनाया गया जबरदस्ती, तो क्रिमिनल किसी तरीके से बनता ही नहीं। किस चीज का लेन देन था? साइड में कॉन्ट्रेक्टर का काम था, ठेकेदार काम किया था, मेरे बेटे ने साइड बनाया था, काम किया था, वर्क किया था, रेल को उसमें स्टेडियम वगैरह बनाए थे, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, स्विमिंग पूल एंड गोल्फ के नाम ग्राउंड बने हैं सारे। और 3 महीने काम चलने के बाद मेरे बेटे ने राजीव रंजन शुक्ला को बोला कि पीएल बना लिया जी, पीएल में उन्होंने खर्चा लंबा चौड़ा डाल दिया, 1.5 करोड़ वापिस डाल दिया, 1.5 करोड़ खर्चा डाल दिया। मेरे बेटे ने बोला आपकी टेंशन ठीक नहीं है, आप केवल मेरा पैसा जो लगा वो दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं चलना। वो प्यार से पुचकारते रहे, हमारे संबंध थे, हम चलते रहे उनके साथ। अभी 6 मार्च में हमारे को बेटे को एक काम मिल रहा था लाइब्रेरी में, डेट काम मिल रहा था 25 लाख के करीब, तो शुक्ला जी ने उनको पिन मार दी और मेरे बेटे को गुस्सा आया कि 5-6 साल से मैं आपके साथ लगा हूँ, उसका खिलाफ मेरे को दे देने, मैं अपना काम कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ रहना नहीं है। और शुक्ला जी से चैट पे बात हुई, उन्होंने कहा आप वहीं पे रहिए, आपकी लाइबिलिटी दी जाएगी, कहीं एक पैसे का एक एक पैसे का चैट पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद हम ना वापस चले गए दिल्ली और 7-8 मार्च को उनका मैसेज आता है, हम उनके ऑफिस में जाते हैं मिलने के लिए, उनको कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था, इसलिए हम वापस आ गए। फिर हमने कौन को लेटर लिख के लगाए, हमारे 2.5 करोड़ पे हैं जो भी रकम है लिखी हुई है मैंने, और मेरे पैसे ड्यूज हैं, उनकी पेमेंट रोकी, उन्होंने पेमेंट रोकी। राजीव रंजन शुक्ल को लेटर गया, मेरे को भी लेटर है, मेरे बेटे को भी, तो बीच में समझौता की एक बार बात चलती रही, वो समझौता करना ही नहीं चाहते, एक बार भी मीटिंग नहीं की उन्होंने। किस थाने का मामला था ये? थाना लाल थाना रायबरेली रायबरेली का मामला था।